सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि अपनी न्यू जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस हावड़ा ब्रिज का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। सो लो जी, देख लो, ये सामने आपके हावड़ा ब्रिज। वैसे तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं अभी आपको सिनेमेटिक शॉट्स नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत मज़ेदार वाले। तो फिलहाल अभी आप इस व्यू को एंजॉय करो, क्योंकि नॉर्मल ही है, और मैं सीधा मिलता हूँ आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो चलो भाई, शुरू करते हैं और चलते हैं अंदर। अनाउंसमेंट सुन रहे हो? कैमरा जैसे ही ऑन किया ना, अनाउंसमेंट शुरू होगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जर्नी, वीडियो को पूरा देखना। और कोलकाता में हो और येलो टैक्सी ना दिखे आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जस्ट अभी मैं स्टेशन के अंदर एंटर हुआ हूँ और मैं जस्ट अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कैप्चर किया जाए। जो मैं आज तक देखता आ रहा हूँ यहाँ से हावड़ा रेलवे स्टेशन पर, शायद आप लोगों ने देखा होगा कहीं और। अगर आपने कहीं और ये सब चीज़ें देखी होंगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल ये देखिए, ये जो इतना बड़ा फैन है, ये सिर्फ मैंने आज तक हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ही देखा है। और ये जो सामने अभी आप देख रहे हैं, ये हावड़ा रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया है। जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। Hey guys, this is Prince back with new video। और फिर से एक और नई जर्नी के साथ मैं वापस आ चुका हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से जो हमारी जर्नी की शुरुआत होगी वो होगी 02073 हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि 1:30 बजे यहाँ से 1:25 पे हावड़ा से निकलती है और भुवनेश्वर में 8 बजे तक पहुँचती है। और यहाँ पर जो देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। कोई मुझे गैस करके बता सकता है कि ये आखिर कब तक ख़त्म होगा? वैसे ये मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है और शायद ये इस साल तक कंप्लीट हो जाए। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं इस जर्नी के दौरान थोड़ी बहुत बता दूंगा इसके बारे में। फिलहाल चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये हमारी भुवनेश्वर जनशताब्दी भुवनेश्वर से आ गई है और अभी अभी जस्ट आई है यहाँ पे। और हमारा जो कोच है वो है D12, बट विंडो सीट नहीं मिली है। D10। सो कुछ इस तरह का व्यू है हमारी इस भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस का। अभी तक तो फिलहाल खाली, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से आपको व्यू दिखा देता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक कोच लगा मेरे को, उसकी जो अलग, मतलब बाकी सारी चेयर कार में होती है, ये कुछ अलग था यहाँ पे देखने को मिला सीटिंग अरेंजमेंट। बट ठीक है, जैसा भी है, काफ़ी साफ़ सुथरी है। देख लो, यही Web 7 लोकोमोटिव जो कि विशाखापट्टनम सेट का है, ये हमारी भुवनेश्वर जनशताब्दी को आज भुवनेश्वर तक लेकर जाएगा। और इसमें आज एक एक्स्ट्रा कोच भी ऐड किया गया है। departed from Hawa।
और इस रूट को मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ, तो जितना हो सकेगा मैं उतना कवर करने की कोशिश करूँगा और डिजिटली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं इस रूट पर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है इस रूट का। अगर मुझसे कोई गलती होती तो आप मुझे कमेंट में ठीक कर सकते हैं। और फिलहाल इस छोटे से डिपार्चर की, अभी तो हमारी ट्रेन जस्ट निकली है, हल्की फुल्की स्पीड के साथ ही चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको कुछ इस ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन ही दे दूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं या तो फेस्टिवल स्पेशल के नाम पे चल रही हैं या कोविड स्पेशल नाम पे, तो इसे भी कोविड स्पेशल के नाम से चलाया जा रहा है। और इसका भी ट्रेन नंबर है 02073 जो कि हावड़ा से भुवनेश्वर तक जाती है, और जब ये उधर से वापस आती है तो इसका ट्रेन नंबर होता है 02074। और इस ट्रेन की जो बस सर्विस स्टार्ट की गई थी वो की गई थी इन द ईयर 2002 में, और ये डिस्टेंस जो कवर करती है वो है 440 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कवर करने में इस ट्रेन को लगते हैं 7 आवर्स। और स्पेशली मेरा इस जर्नी को करने का रीज़न था कि जो इस टाइम पे जो स्पीड काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की गई है कि ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो स्पीड अपग्रेड कर दी गई है उसको कवर करना। स्पीड से याद आया कि जो इस हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस की जो एवरेज स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है, और अगर आपकी ट्रेन हावड़ा से निकल रही है तो मेरा एक आपको छोटा सा सजेशन है कि आप अपने सामान, मोबाइल और लगेज को ध्यान से रखें, क्योंकि ये जो स्लम एरिया यहाँ, मतलब जो ट्रैक्स के साथ वाला जो ये छोटे छोटे घरों में जो लोग रहते हैं, मैं यहाँ सारे लोगों को नहीं बोलूँगा लेकिन जो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको बोल रहा हूँ, ये स्नैचिंग में कोई मतलब कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे इनको मौका मिल जाए ये ज़रूर झपट्टा मार के फ़ोन लग, मतलब कुछ भी पर्स हो चाहे कुछ भी हो छीन लेते हैं। और अभी जस्ट क्या कहते हैं, पीछे यह हादसा हुआ है कि जो पैसेंजर थे उनका पर्स वहाँ अपनी सीट पे जस्ट रखे थे और वो जल्दी से आया और लेकर भाग गया। और वो यही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विदाउट टिकट भी लोग हावड़ा स्टेशन में एंटर कैसे हो जा रहे हैं, इस चीज़ को देखना चाहिए लोगों को कि मतलब आसपास कैसा, मतलब कौन खड़ा है कैसे है, तो ध्यान से अपने सामान को संभाल कर रखें। और कुछ गलतियां हमारी भी होती है जिस वजह से इनको मौका मिल जाता है, सो जितना हो सके आप केयरफुल रहें और अपने सामान को सुरक्षित रखें। और इन लोगों को सबसे पहले हटाना चाहिए रेलवे वालों को, क्योंकि जो लोगों का सामान होता है वो इनकी वजह से गायब होता है, और अगर आप कंप्लेंट कर भी देते हैं तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता इन लोगों के ऊपर। अभी हम सांतरागाछी को स्कीप करने वाले हैं। सांतरागाछी होता है कि सांतरागाछी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये भी कोलकाता का एक मेजर स्टेशन है जिसे अभी हम स्कीप करने वाले हैं।
को थोड़ा कंट्रोल कर सके, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेशन बनाए गए हैं, जैसे कि कोलकाता और शालीमार, छात्रागाछी और शालदा, इन सारे स्टेशनों को बनाया गया है ताकि हावड़ा के ट्रैफिक को थोड़ा कम किया जा सके। और छात्रागाछी में आपको लोको शेड भी देखने को मिल जाएगा। आपने कितने सारे लोकोमोटिव्स के आगे SRC देखा होगा, लिखा होता है, वो यहीं के लोकोमोटिव होते हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कोलाघाट ब्रिज को, और जो कि बना है रूप नारायण रिवर के ऊपर, और जो यहाँ से व्यू आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और ये रिवर और कोलाघाट अपने आप में फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल का थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है इसके किनारे पर, रिवर के किनारे पर। और ये जो नदी है ये अपने हिल्सा फिश, जो कि मतलब इसमें पाई जाती है मछली, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ का जो फ्लावर मार्केट है उसकी वजह से भी कोलाघाट अपने आप में एक फेमस जगह है। जो ये जगह है इसके रिवर साइड वाली, वो पिकनिक स्पॉट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और हमारे इस भुवनेश्वर जन शताब्दी के टीटी सर मुझसे मिले थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि इस मतलब रूपनारायण रिवर का जो सी लेवल है वो 0 है, तो इसमें डेली एक ज्वार भाटा जरूर आता है। और इसका जो पानी होता है वो मतलब ब्रिज के थोड़ा सा मतलब नीचे तक रहता है, यानी कि पूरा ओवरफ्लो हो जाता है। हर रोज़ एक ना एक ज्वार भाटा जरूर आता है इसमें, और ये मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना नहीं। मीन्स कि हो सकता है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कन्फर्म करना चाहता हूँ जो कोलाघाट से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को सही में ये पता है कि हाँ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा मतलब 0C लेवल है कि नहीं इस नदी का, सो मुझे कुछ पता नहीं चला। अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं खड़गपुर जंक्शन में, यानी कि अभी हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म व्यू मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे उतरने वाले हैं और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और सही बताऊँ तो जितना मतलब जितने पैसेंजर नहीं हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ सामान रख देते हैं। ऐसी नॉर्मल जो इंटरसिटी टाइप की ट्रेनें होती हैं, जनशताब्दी ट्रेनों में इतना ज़्यादा सामान लेके जाने की ज़रूरत ही क्या है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जो डिपार्चर व्यू होगा वो प्लेटफॉर्म साइड से ज़रूर दिखाऊंगा। इनको जाने देते हैं पहले। सो अभी हो रहा है 3:10 और हम निकल चुके हैं खड़गपुर जंक्शन से, और यहाँ पे हमारी ट्रेन 7 मिनट बिफोर आई थी। सो अब बात करें इस खड़गपुर जंक्शन की, तो इसका जो स्टेशन कोड है वो है KJP, और ये स्टेशन आता है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में। इसे ओपन किया गया था 1898 में,
और यहाँ पे टोटल 12 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से बहुत सारी मेजर लाइनें जाती हैं, जैसे कि हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, खड़गपुर बंकूरा आद्रा लाइन, आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर लाइन और खड़गपुर पुरी लाइन। ये सारी जो मेजर लाइनें हैं यहाँ से क्रॉस करती हैं और खड़गपुर में ही एशिया का लार्जेस्ट रेलवे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम है। पर जिन्हें इंटरलॉकिंग के बारे में नहीं पता है सो आप YouTube पे और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इंटरलॉकिंग के बारे में, कैसे ये वर्क करता है और क्या कहते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं इसके लिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। आफ्टर गोरखपुर और कोलाम जंक्शन जो कि केरला में है, खड़गपुर में वर्ल्ड का थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ है और फिलहाल अभी जहाँ तक मैंने सुना है कि हुबली में वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो देखते हैं वो कब तक बनता है। और जो हुबली है आई थिंक सिलीगुड़ी में है, हाँ खड़गपुर IIT आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो हमारे फ्लाइंग पिस्टल है गौरव निजा सर है, उन्होंने स्टडी यहीं से की है। और खड़गपुर की फेमस डिश आलू खास आपको खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही कहीं मिल जाएगी, तो मैंने अभी तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, तो मैं भी ट्राई करता लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं इस रूट पे दोबारा ट्रैवल करता हूँ तो ज़रूर ट्राई करूँगा। और हाँ आप आते तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें। हमारी ट्रेन अभी 7 मिनट पहले यानी कि 4 बजे जालेश्वर स्टेशन पर पहुंच चुकी है और इसका स्टेशन कोड है JER। सो अभी हमारे साथ वाले प्लेटफॉर्म पे नंदनकनन एक्सप्रेस जो कि पुरी से आनंद विहार तक चलती है उसका अराइवल हो रहा है और इसका यहाँ पे स्टॉप है और अभी हमारी ट्रेन भी यहाँ जालेश्वर से डिपार्ट कर रही है। फिलहाल अभी आप इसके डिपार्चर व्यू को और उस ट्रेन के अराइवल व्यू को एंजॉय कीजिए। और बात करूं इस स्टेशन की तो इस ये जो स्टेशन है इसका डिवीज़न खड़गपुर ही है और ये सेम SER जोन में ही आता है।
अभी हम आ चुके हैं अपने इस ट्रेन के फोर्थ स्टॉप बलसोर में, और आप इसे बालेश्वर भी कह सकते हैं। और अभी समय हो रहा है 4:35 और यहाँ तक हमने 231 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लिया है, और यहाँ आते आते सनसेट भी हो चुका है। और अब बात करें इस स्टेशन की, इसका जो स्टेशन कोड है वो है BLS, और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1896 में, और यहाँ पे मोर देन 1,30,000 पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं यहाँ से। और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है 1, 2, 3, इन्हें यूज़ किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए। और इसका जो फोर्थ प्लेटफॉर्म है वहाँ से आपको लोकल मेमू और डीएमयू पैसेंजर ट्रेनें मिलती हैं। और चेन्नई साइड में जाने वाली ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेनें हैं वो यहाँ पे स्टॉप लेती ही हैं, क्योंकि ये जो बलसोर स्टेशन है काफ़ी अपने आप में SCR का इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे हमारी राजधानी ट्रेनें भी रुकती हैं और कुछ शताब्दी ट्रेनें भी रुकती हैं। तो अपने समय से हमारी ट्रेन बलसोर से निकल चुकी है, और आप फिलहाल यहाँ के डिपार्चर व्यू को एंजॉय कीजिए। तो अगर आप इन फ्यूचर जैसे आप कभी बलसोर में घूमने आते हैं, तो अगर आपने होटल वगैरह नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे रिट्राइंग रूम भी मिल जाएंगे, जो कि AC है और नॉन AC दोनों ही आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, और मतलब रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और बाकी जैसे होटल से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। अगर अवेलेबल हुए तो आप एक बार स्टे करके देखें, काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा होता है। और अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो मेरे ख्याल से जो रिट्राइंग रूम होगा वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी हम डिपार्ट कर रहे हैं भद्रक से, और यहाँ पे हमारी ट्रेन बिल्कुल समय से आ गई थी, लेकिन पैसेंजर बहुत ज़्यादा खड़े थे गेट पे, इसलिए मैं आपको अराइवल नहीं दिखा पाया। तो फिलहाल अभी आप डिपार्चर देख सकते हैं, और अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब ऐसा हो रखा है कि 10 पैसेंजर उतरते हैं तो 20 पैसेंजर चढ़ जाते हैं। अभी कुछ टिकट लेस भी हो सकते हैं मुझे इसमें लगता है जहाँ तक। और जो इसका स्टेशन कोड है वो है BHC, और ये यहाँ पर आकर हमारा जो डिवीज़न है यानी कि स्टेशन का जो डिवीज़न है वो चेंज हो जाता है, और ये स्टेशन आता है खुर्दा रोड डिवीज़न में। आपको पता ही होगा कि पहले मैंने कोलफील्ड में जर्नी की, देन उसके बाद इस ट्रेन में जर्नी की, और दोनों ही ट्रेनों में मैं लगातार खड़ा रहा हूँ डोर पे, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो
कुछ कुछ मतलब वीडियो थोड़ी सी मिस हो जा रही है, मैं इसकी अराइवल मैं नहीं ले पा रहा हूँ, और कुछ मतलब अभी भी पैसेंजर उतरे थे तो इस वजह से मैं यहाँ का अराइवल नहीं ले पाया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जन शताब्दी ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, और इसमें तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि लोग जितने मतलब एक सिंगल पर्सन भी ना चार चार बैग लेके चल रहा है, तो जन शताब्दी ट्रेनों में उनको खुद चाहिए कि जितना हो सके कम सामान लेकर चढ़े, कि जो बाकी के पैसेंजर हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और मतलब वो भी आराम से जर्नी कर सके। और अभी हम निकल चुके हैं जजपुर रोड रेलवे स्टेशन से, और जिसका स्टेशन कोड है JJKR, और इसे भी ओपन किया गया था इन द ईयर 1896 में। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और ये स्टेशन सर्व करता है कलिंगा नगर और जजपुर डिस्ट्रिक्ट को। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे टोटल 63 ट्रेनों का स्टॉप है, और बस अब कुछ ही समय में आने वाली है महानदी रिवर, और हम क्रॉस करने वाले हैं उस ब्रिज को जो कि कटक से पहले आता है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कटक जंक्शन में, और यहाँ हमारी ट्रेन आई है करीब 10 मिनट डिले के साथ, और काफ़ी ज़्यादा खाली स्टेशन लग रहा है। और जो ये कटक है ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इंडिया की, उड़ीसा स्टेट में, और कटक को आप कमर्शियल कैपिटल ऑफ उड़ीसा भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग और बिजनेस हाउसेस देखने को मिल जाएंगे। कटक फेमस है अपनी दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए, जो कि यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और आप लोगों को पता होगा शायद, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो कटक के रहने वाले थे, यानी कि जो उनका बर्थ प्लेस था वो यहीं का था। और काफ़ी मतलब इतनी देर बाद हमने अराइवल लिया, तो थोड़ा सा अराइवल व्यू को एंजॉय कीजिए। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप, हमारी इस जन शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी का लास्ट स्टॉप। अब इसके बाद सीधा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो भुवनेश्वर में है। और बात करूँ मैं इस स्टेशन की, तो यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, और इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन क्रॉस होती है, एक जिस पे हम अभी चल रहे हैं जो जाती है पूरी साइड में, और जो दूसरी लाइन है कटक प्रदीप लाइन, और थर्ड जो है वो कटक संबलपुर लाइन। और हाँ, इसकी जो बिल्डिंग्स हैं यानी कि जो बाहर की बिल्डिंग है, अगर आप स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं तो वो आपको फोर्ट जैसी लगेगी, यानी कि जो उसकी बाहर से लुक आती है वो बिल्कुल किले जैसे दिखती है, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है स्टेशन को। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में, समय से करीब 15 मिनट पहले भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। और बात करूँ इस जर्नी की, तो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी थी, तो ऐसा है। और रही बात, मैंने आपको बताया था कि स्लम एरिया में अपने मतलब पर्स मोबाइल ये सब चीज़ों को अच्छी तरह सेफ रखें, बाकी जर्नी एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अब मैं बात करूँ इस रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और जो इसका स्टेशन कोड है वो है BBS, और डेली यहाँ से करीब 1.5 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, और ये स्टेशन भी खुर्दा रोड डिवीज़न में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन है वो खुर्दा रोड ही है, और करीब यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा शायद वो। तो चलो बस आज की इस जर्नी में बस इतना ही था, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जर्नी आपको कैसी लगी,
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और बस इतना ही। तो चलो बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।